हम लोग का वीडियो में हमेशा कमेंट आता था कि मतलब आपका जो रंगीला फैमिली है वो क्या लगते हैं। तो बहुत एक बार तो हम बना चुके थे, थोड़ा कुछ बताए थे, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। और हम लोग कल घर आ चुके हैं शाम में ही, तो आने का हम लोग वीडियो वगैरह कुछ बनाए नहीं, अचानक हम लोग को आना होगा क्योंकि अभी बच्चा लोग का स्कूल छुट्टी नहीं हुआ है, तो हम लोग सोचे ज़्यादा एब्सेंट होगा इसीलिए हम लोग रुके नहीं और आ गए। 3-4 दिन सिर्फ रुके, इनका ड्यूटी भी छूट रहा था, तो हम लोग अभी घर आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं एक्वेरियम को साफ करने जा रहे हैं, बहुत गंदा हो गया है। तो दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हैं, ये मछली का एक्वेरियम है जो कि अभी साफ पूरा गंदा हो गया है, इसको सफाई कर रहे हैं थोड़ा। अभी हम लोग थे भी नहीं और क्या बोलते हैं, कुछ दिन हो भी गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर हम लोग का मछली सारा घूम रहा है, और जो ये खेत में पकड़े थे वो सब मछली भी है, घूम रहा है सब तरफ। अभी निकालेंगे, ऐसे साफ करने का प्लान नहीं था लेकिन अचानक से बोले कि नहीं सारा गंदा हो गया है तो आज साफ कर देते हैं बोल के। दोस्तों देखिए सबको हम इसको निकाल देते हैं, मछली मेरा सारा मछली निकाल रहे हैं हम लोग। मस्त मस्त मछली रखे हैं भाई, इधर देख सकते हैं हम लोग का सारा मछली निकल रहा है। और सबसे बड़ा चीज आदमी सोचेगा कोई भी कि खेत वाला मछली तो रहेगा नहीं इसमें, जिसको आदमी पकड़ के खाता है, लेकिन इसका भी हम लोग ट्रायल कर चुके हैं, ये एक्वेरियम में रह जाता है और काटता भी नहीं है क्या। उधर देख सकते होंगे उधर घूम रहा है वो सब भी सारा कुछ, इसको लेके हाथ से छूने लायक नहीं है, नहीं काट देगा। आप लोग देख सकते हैं घूम रहा है इधर, इसको हाथ से छूना मुश्किल है। तो दोस्तों अभी एक्वेरियम वगैरह पूरा साफ हो चुका है और इधर आप लोग देख सकते हैं, दिखाइए कितना हम लोग का साफ होके चकाचक हो गया है एक्वेरियम। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं काफी अच्छा हम लोग का एक्वेरियम साफ कर लिए हम अपना खुद से किए है ना, और हम लोग अपना देसी मछली भी वहाँ से लाए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है ना, जो मागुर बोलते हैं, नीचे में घूम रहा है, दो पीस है, देखिए अभी आया तो काफी अच्छा लग रहा है। अभी बहुत अच्छा अच्छा मछली भी हम रखे हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा एक जगह काम है हमको, ये अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, हम तो अभी नहाए धोए भी नहीं, अभी सोनी नहाई भी नहीं है, इसको नहा के पूजा वूजा भी करना है और तब तक हम अपना काम करके आ जाते हैं, काहे कि आज बहुत सारा काम है मेरा ना। तो ये अभी बाहर जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे फिर आप लोग। आज सोनी थोड़ा टाइट टाइट नहीं बोल रही है, इसलिए कि थोड़ा इसका मम्मी का तबीयत खराब है ना, तो थोड़ा सा वहाँ से आने के बाद में इसको थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग भी दुआ दीजिए कि सोनी का मम्मी जल्दी ठीक हो जाए और सोनी पहले जैसे एकदम हंस हंस के कुछ वीडियो बनाए, थोड़ा आप लोग को मजा आए टाइप से क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं और सारा काम हो चुका है मेरा, और इधर मेरा बेटा और बेटी दोनों को ले आए, परी और किचन को ना बेटा। और दोस्तों हम लोग का वीडियो में मतलब आज एक अलग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग का वीडियो में हमेशा कमेंट आता था कि मतलब आपका जो रंगीला फैमिली है वो क्या लगते हैं। तो बहुत एक बार तो हम बना चुके थे, थोड़ा कुछ बताए थे, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं हम लोग को, क्योंकि नया नया सब्सक्राइबर सब जुड़ते जा रहा है ना, तो उन लोग को पता नहीं है, तो सबको पूछ रहा था कौन लगते हैं, उनसे कैसे दोस्ती हुआ, कहाँ मिले, कैसे मिले, सब अभी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। रंगीला फैमिली के लिए लास्ट हम मतलब उनसे कैसे मिले वो बना रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों हम सबसे पहले यूट्यूब में अगर जाने तो हम जाने थे विजय रिया जी को और मिले उनसे, और जब आने के लिए दो रास्ता पड़ता है मेरा, तो एक जंगल होके पड़ता है जो बहुत सामने से था और एक लोंग था जो बहुत दूर होके आता है गोला तरफ से, तो हम शॉर्ट रास्ता चुने। जब शॉर्ट रास्ता चुने तो हम जाने लगे ना, तो मतलब हम लोग को लगभग
शाम होने जा रहा था, लगभग शाम तो नहीं लेकिन 3-4 बज चुका था। बारिश का मौसम था। पूरा बादल घड़कने लगा, बहुत डर लग रहा था। और जब जाते जाते एकदम सन्नाटा जगह, पहाड़ पर्वत दिखने लगा, तो फिर पानी एकदम बरसने लगा। तो हम सोचे कि घर में अगर जाएंगे कोई मार उड़ देगा कि क्या करेगा, डरने लगे कि ऐसा जंगल में। तो फिर सोचे कि यार आप भीगने से अच्छा तो चलो बच ही जाते हैं। हम लोग का रास्ता भी हम अनजान थे, उधर कोई मैप भी काम नहीं कर रहा था। फिर बहुत डर लगने लगा, फिर बचे हम लोग। जब पानी बहुत तेज से बरसने लगा तो हम सोचे कि अपना एक वीडियो इसमें कैप्चर कर ले, एक क्लिप है ना, और उसको भी हम यहाँ डाले वीडियो में। अभियान जो रंगीला फैमिली जो है संजू भैया, वो निकले और बोले कि आप लोग भी वीडियो बनाते हैं क्या, यूट्यूबर हैं? तो हम बोले कि यूट्यूबर तो अभी स्टार्ट किए हैं, हम गए थे एक यूट्यूबर से मिलने के लिए। उस टाइम हम लोग का स्टार्टिंग था। तो वो बोले कि ना हम भी बनाते हैं वीडियो। तो हम बोले क्या नाम है आपका वीडियो? तो रंगीला फैमिली। तो हम बोले रंगीला फैमिली तो कल हम देखे हैं। तो एक्चुअल में इसलिए नहीं पहचाने संजू भैया को कि जब था तो वीडियो उनका देखे थे तो दाढ़ी बढ़ा हुआ था, और जब घर उनका गए ना तो पूरा दाढ़ी छिला के और सेंडो गंजी में थे, तो बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे थे। तो हम सोचे कि अच्छा आपका तो शायद हम देखे थे। फिर हम अपना सोनी के पास लगाए ना जी, हम बोले कि अच्छा रंगीला फैमिली को जानती है? अजी हाँ, हम जो 2 दिन पहले देखे तो वही तो है रंगीला फैमिली। तो हम बोले कि अच्छा यही है। तो हम बोले कि फिर हाय हेलो हुआ, बैठे वहाँ लगभग 1-1.5 घंटा बारिश हुआ, उसके बाद दोनों में काफी बर्तलाव हुआ। तो उनका काम था यहाँ रांची में, तो बोले कि हम आ रहे हैं। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए। तो फिर रथ मेला लगा हुआ था, तब वो बोले कि देखिए ना भैया, हम लोग का घर बहुत दूर में है और रात हो गया, तो हम चाह रहे थे कि हम आज रुक जाते तो आप लोग को कोई दिक्कत है क्या? हम बोले कि क्या ही दिक्कत रहेगा भाई, आ जाइए आप लोग। तो सोनिया और हम उनको रिसीव करने गए, लेके आए घर में रहे, और काफी दोस्ती हो गया। अब मतलब उसके बाद में 1-2 बार 3 बार वो भी आ गए, 2-3 बार वो सब भी आए, हम लोग भी 2-3 बार गए, तो काफी घनिष्ठा हो गया और एक अपना फैमिली टाइप से हम लोग का हो गया। तो हम लोग सुख दुख मतलब बात होता है, तो कभी भी हम लोग का बात होते रहता है दुख सुख। और मतलब बहुत कोई बोल रहे थे कि मतलब आप लोग का कौन लगते हैं, तो कौन लगते हैं क्या, आप तो भाई लगते हैं मेरा। हम लोग का हर वीडियो में मतलब डेली वीडियो डालते हैं, उसमें एक दो या तीन जरूर कमेंट रहता है रंगीला फैमिली के बारे में कि आप लोग कैसे जाने, मतलब वो लोग को कैसे पहचाने, कैसे आना जाना हुआ। तो हम लोग सोचे चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। लोग बहुत जितना लोग मतलब हमको लगता है 90% 95% कहते हैं कि रंगीला भाई से आप लोग इतना क्लोज है, उनका आप मदद करते हैं, ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं। तो भाई सब इंसान है, ऊंचा नीचा क्या है? वो गांव में रहते हैं, हम लोग टाउन में रहते हैं, इंसान ही तो है, तो ऊंचा नीचा का बात नहीं है। और दूसरा क्या है, अच्छा आदमी है, अच्छे आदमी से मिलने से थोड़ा सा बात करने में भी मजा आता है। और जो बड़ापन दिखाता है ना, तो उसके साथ तो हम लोग बहुत कम ही रहते हैं। वो लोग को कभी कभी कोई चीज नहीं समझ आता है तो हम लोग को पूछते हैं, कभी हम लोग को नहीं समझ आता है तो हम लोग फोन करके पूछ लेते हैं। आप लोग तो देखे भी होंगे कि हम उनका घर गए और किस लिए गए, वो भी देखे होंगे। हाँ, जितना देख रहे जो समझ सकते हैं कि हम लोग का रिलेशन क्या है, उनको तो बस समझाने का जरूरत नहीं है। बाकी कोई कोई ऐसा है जो थोड़ा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो कोई नहीं है कि अपना व्यूज बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, YouTube में कौन ऐसा आदमी है कि जो कि व्यू के लिए नहीं आया होगा। दूसरा क्या है ना, अगर हम किसी से मिले ही नहीं, कुछ दिखाए ही नहीं, तो हम इस चैनल को बंद कर देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए एक दूसरे से मिलना, आप लोग को इंटरटेनमेंट कराना, यही तो हम लोग का काम है। अपना लाइफ स्टाइल डालना, कहीं गए हम लोग वो चीज डालना, तो यही काम है। तो वो चीज अगर नहीं दिखाएंगे हम लोग दिखाएंगे क्या? तो दोस्तों हम लोग का जो भी था रंगीला फैमिली के साथ में वो सारा कुछ बता दिए। और दोस्तों ये भी आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि मतलब YouTube में कोई भी अगर बनाता है, कोई भी चीज बनाता है, तो आप लोग ऑलरेडी देखिएगा YouTube में रहता ही है, इसलिए कि कोई तो पहली बार वो चीज नहीं कर रहा है ना, एक दूसरे को देख के ही सीखता है। लेकिन वो हम जो कर रहे हैं वो तो मेरे लिए पहला है ना, तो वो चीज हम लोग बनाते हैं जो हम लोग को पसंद आता है और लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। और आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, इसी टाइप से आप लोग प्यार देते रहिए और हम लोग के साथ जुड़े रहिए। और कोई गलती हुआ
तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है क्या सुनी है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो न्यू है हम लोग का वीडियो में वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय।